गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आ जाइए, चाय रेडी हो गई है। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड देखिए, मेरा कल भी ब्लॉग नहीं आया और उसके लिए सॉरी आप लोगों को। और मैं वैसे कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं ब्लॉग डेली का डालूँ, लेकिन मेरी कल तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और आज भी मेरे को फीवर है। तो लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो ब्लॉग डाल देती हूँ, छोटा सा ही ब्लॉग डालूँगी, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं डाल पाऊँगी। और मैं आपको दिखाती हूँ कि कल मैंने लाइव भी नहीं की अपनी और ब्लॉग भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं कर पाई। कल तो पूरा दिन मैं लेटी रही, बस बिल्कुल उठी नहीं मैं। और हो रहा है पता नहीं क्यों, सीज़न की वजह से या क्या, फ़ीवर बहुत ज़्यादा हो रहा था मुझे और पूरी बॉडी में पेन हो रहा था, तो इस वजह से मैंने कुछ नहीं डाला। तो फ्रेंड देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, घर का काम जो होता है वो तो बहुत ज़रूरी वाली बात है, कि क्या काम नहीं है ऐसा जो करे बगैर हमारा गुजारा हो जाएगा। सब कुछ ही करना पड़ता है, खाना भी बनाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन एक कहते हैं ना, एक पार्टनर ऐसा होता है, किसी किसी का पार्टनर ऐसा होता है जो फुल सपोर्ट करता है। तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ है और उनका मुझे फुल सपोर्ट है। तो देखिए, मैं कल पूरा दिन बिल्कुल, मतलब ये सोचिए कि ऐसा था कंडीशन मेरी कि जैसे मैं बेहोश हुई पड़ी थी। मुझे बिल्कुल भी, मेरे से कोई बात भी कर रहा था तो मुझे वो भी अच्छा नहीं लग रहा था, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो सब कुछ मेरे हस्बैंड ने देखा, बच्चों को खाना खिलाना सब काम उन्होंने किया। मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए, मतलब मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे को इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं और बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने हस्बैंड से। और मैं हमेशा यही चाहूँगी कि मेरे को हर जन्म में मुझे यही मिले, मेरे जो हस्बैंड है अरविंद, मेरे को हर जन्म में यही मिले। और ये बहुत ही अच्छे हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं, हर काम में सपोर्ट करते हैं। और मेरी तबीयत ख़राब है तब भी इन्होंने मेरी बहुत केयर की, मतलब बहुत कुछ करते हैं मेरे लिए। तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ उन्होंने क्या क्या किया है। देखिए फ्रेंड, घर की कंडीशन कैसी हो रही है, पूरा घर देखिए, मतलब हाँ मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, हस्बैंड ने कपड़े धोए आज और काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। ये देखिए, बेडशीट वगैरह, सोफ़े के कवर वगैरह यहाँ पर डाले हुए हैं। और बेडशीट्स वगैरह देखो, ये दरवाज़ों पर डाल दिए उन्होंने। और ये देखिए, ये रूम में भी उन्होंने कपड़े डाल दिए, जैसे जैसे उनको सही लगा उन्होंने कर दिया, मेरे को तो मालूम ही नहीं था। और ये देखिए, बेडशीट यहाँ पर भी है। और ये देखिए, बाहर मैं दिखाती हूँ, ये देखिए उन्होंने ये सब कपड़े धोए आज, वॉशिंग मशीन लगा ली थी मॉर्निंग में ही। मतलब मैं तो उठी भी नहीं थी, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो मैं उठ ही नहीं पाई थी। और वॉशिंग मशीन लगा ली थी, सारे कपड़े उन्होंने धो दिए। उसके बाद कपड़े धोने के बाद फिर उन्होंने खाना बनाया, ब्रेकफास्ट बनाया बच्चों के लिए। तो ब्रेकफास्ट क्या अलग अलग नहीं बना, देखिए किचन की कंडीशन देखिए, अभी तो वो अपने क्लिनिक पर है। तो जितना हो सकता था उन्होंने अपनी तरफ से फुल सपोर्ट किया मुझे। और ये देखिए, सब्जी बनाई है सुबह सुबह उन्होंने मॉर्निंग में। और ये देखिए, उन्होंने सुबह मॉर्निंग में परवल की सब्ज़ी बनाई थी और राइस बनाए थे, क्योंकि और चपाती भी बनाई थी, बच्चों को खिला दिया था, मुझे भी वो खिला कर गए थे और ख़ुद भी फटाफट जल्दी जल्दी खा के चले गए थे और लेट भी हो गए थे इस वजह से। और कंडीशन देखिए, ये देखिए उन्होंने चपाती बनाई थी, तो यहाँ पर सारा ये आटा लगा हुआ है। लेकिन फिर भी जितना किया मेरे लिए बहुत है और मैं इतना मतलब खुश हूँ कि देखिए कितना सपोर्ट करते हैं मुझे। और मैं बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैं सबको ये कहूँगी, सब लोग देखिए मेरा खाना है, मैं अभी, मेरे को दवाई लेनी है। तो वो बोल कर गए थे कि खाना खा के दवाई ले लेना, और अभी फ़ोन भी आया था उनका, तो मैं खाना खा रही हूँ बस, मुझे मन नहीं कर रहा था, फिर भी मैंने थोड़े से राइस ले लिए। तो पामनी यहाँ पर बैठी है, पामनी भी बड़ा परेशान हो गई थी कल, मेरी तबीयत ख़राब थी तो, और बहुत ये भी बहुत इमोशनल हो रही थी और बहुत ज़्यादा केयर कर रही थी मेरी, बार बार कभी सिर दबा रही थी, कभी हाथ दबा रही थी, इसको यही लग रहा था कि मम्मी को क्या हुआ, बार बार पूछ रही थी। ये बच्चे भी थोड़ा सा हो जाते हैं ऐसे सुस्त, और होता है, बस थोड़ा सा ठीक रहे सब लोग तो अच्छा ही है, लेकिन कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मुझे दवाई भी लेनी है, बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हस्बैंड आ गए हैं, रात का टाइम है और ये मोमो लेकर आए हैं बच्चों के लिए और कुछ सब्जियाँ लाए हैं, बस वही खोल रहे हैं। तो फ्रेंड बस इतना सा ही ब्लॉग डालूँगी आज, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।